बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। तो दोस्तों, चंद महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बहुत जल्द जो है वो कैंसिल की अनाउंसमेंट की जानी है, जैसा कि कोविड की वजह से काफ़ी जो है वो तालीमी निज़ाम जो है वो गड़बड़ हुआ है और उसमें जो है वो तलबा का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, जिसको पूरा करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर के जो है मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो नए टीचर्स भर्ती किए जाएंगे, जिनमें मैट्रिक वाले, एफ़ ए वाले और बी ए वाले अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जो एफ़ ए वाले होंगे वो मिडल वालों को पढ़ाएंगे और जो मैट्रिक वाले होंगे वो प्राइमरी वालों को पढ़ाएंगे, जबकि जो बीए वाले होंगे, ठीक है, वो भी जो है वो मसलन मुख्तलिफ क्लासेस में जो है वो उनकी भी तैनाती की जाएगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उन जो वो वैकेंसीज हैं उनकी अपडेट क्या है और इनमें अप्लाई किस तरह से करना है, क्योंकि हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है जिसमें बताया गया है कि आप इन वैकेंसीज के लिए जो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले और इनकी तफसीलात को जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मजीद भी नौकरियों की अपडेट हासिल करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही नौकरी की वीडियोस आप दोस्तों की हेल्प के लिए जो है वो मैं अपलोड करता हूं। अब सबसे पहले इनकी जो तफसीलात उनको जान लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो तफसीलात को जानने के लिए और इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट उसको रीड करने के लिए आपने गूगल ओपन करनी किसी भी ब्राउजर में, और गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करना है, ग्रीन GREEN ग्रीन JOBS जॉब्स 9। सिंपल आपने ग्रीन जॉब्स 9 टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट शो होगी greenjobs9.com, आपने इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह की वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद सिंपल आपने अगेन नीचे की जानिब से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जॉब्स अपडेट वाले बॉक्स में पहली पोस्ट आपको शो होगी कि एजुकेटर जॉब्स इन पंजाब 2021। इसी के साथ आपको एक पोस्ट हो रही है पाकिस्तान फौज में भर्ती है, ठीक है, 2021। तो अगर आप तालीमी कामियत प्राइमरी से मैट्रिक तक है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से 30 साल रखी गई है और अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ेकार यहाँ पर मैंने बता दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर 4 जुलाई 2021 को बड़ी ही ज़बरदस्त वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें मर्द और ख़वातीन आल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख 12 जुलाई है। इसी के साथ नादरा की वैकेंसी है, तो आप नादरा में अप्लाई करना चाहें तो नादरा में कर सकते हैं। ASF यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज में जो भर्ती हैं इनमें अप्लाई करना चाहें तो उनमें भी कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 9 बड़े महकमों में वैकेंसीज के अनाउंसमेंट की गई 3 जुलाई 2021 को 26 जुलाई 2021 तक आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। सो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाली वैकेंसी की। तो ओपन करने के लिए आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर इनकी मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट इनके जो ऑफिशियल एड उसको रीड करके आपको समझा दे। तो बाकी ये जो तफसीलात लिखी हुई है ये आपने खुद आकर रीड कर लेनी है, बड़ी जो है वो डीपली समझाई गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इश्तिहार है कि इश्तिहार बराए स्कूल टीचर्स इंटर्न्स CTIs, ठीक है। सो वजीर आला की मंजूरी के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब अपने ज़ेर इंतजाम स्कूलों में उस्तादा की खालिय सामियों पर स्कूल टीचर्स CTIs की जो है वो भर्तियाँ खिदमात महदूद मुद्दत के लिए पहले मरहले में दर्ज झैल अजला जिनमें मियाँ वाली, गुजरावाला, रहीम शार खान, DG खान, राजनपुर और सियालकोट में हासिल करना चाहता है, ठीक है। अज़ला के आपने नाम सुन लिए हैं, वैसे ऑल ओवर पंजाब में आनी है बट अभी के लिए जो है वो कुछ चंद अज़ला में जो है ये आई हुई हैं वैकेंसीज। CTIs की खिदमत के लिए सिर्फ मुतलका विलेज जो है वो होल्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले उम्र की बात की जाए तो मर्द हजरात के लिए जो कम से कम उम्र है वो 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल रखी गई है, जबकि औरतों के लिए कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल रखी गई है। उसके बाद मज़ीद बात करें तो हायर सेकेंडरी लेवल के लिए रोज़ाना आपको 1200 रुपये दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये आपकी महाना जो है वो सैलरी होगी। उसके बाद सेकेंडरी लेवल के लिए जो रोज़ाना आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये। एलिमेंट्री लेवल के लिए आपको 800 रुपये रोज़ाना दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सैलरी मंथली बनेगी वो 20,000 रुपये है, जबकि प्राइमरी लेवल के लिए आपको 720 रुपये दिए जाएंगे और आपकी जो सैलरी वो 18,000 रुपये बनेगी, ठीक हो गया। उसके बाद दौरानी की बात की जाए तो एक मुकम्मल तालीमी सेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह का होता है, ठीक है। उसके बाद कम से कम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए सेकेंड ईयर के साथ। एलिमेंट्री लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए कम अज़ कम, और उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी BA या BSc होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तरीका कार अप्लाई करने का क्या है, बहुत ही मुख्तसर सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। लिखो है कि ख्वाहिशमंद ख्वातीनों हजरात आखिरी तारीख से पहले मतलूबा स्कूल में ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के जरिए दरख्वास्तें दें। उम्मीदवार के लिए मेरिट की फहरिस्त OTRS वेबसाइट पर दस्तियाब होगी। OTRS वेबसाइट कौन सी, मैं अभी आपको बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें।
हेड टीचर से स्कूल काउंसिल का इजलास तलब करेंगे और मुकर्रर तरीकाकार के मुताबिक रिक्रूटमेंट कमेटी के नामजदगी की मंजूरी लेंगे, जिनमें हेड मास्टर शरीक, चेयरमैन, पेरेंट मेंबर, ठीक है, जनरल मेंबर और टीचर मेंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद मालूमात लिखी गई हैं अप्लाई करने की, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नीचे नोट वगैरह दिए गए हैं, ये आपने खुद आकर पढ़ लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर अभी कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और शेयर करने के बाद दोबारा से आकर वीडियो को प्ले कर लें। अब बात कर लेते हैं कि जो वेबसाइट है वो कौन सी, तो यहाँ पर देखें, लिखो हाउ टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स, इसमें लिखो वन के कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट SED वेबसाइट, ठीक है। अगर आप SED वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक मैंने लगा दिया। इस वेबसाइट पर आपको इन नौकरी की जो मुकम्मल तफसीलात है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद स्टेप टू में आपको मिलेंगे कि कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस कैरियर अपॉर्चुनिटी मे फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन व्यू द ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम। सो ये है OTRS की वेबसाइट .punjab.gov.pk, इस पे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको वहां पर रजिस्टर करना है, उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अगर किसी भी चीज़ की परेशानी हो या सामना करना पड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अभी मेरे पास कोई इस तरह की एप्लीकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि मैं अप्लाई कर सकूं, लेकिन अगर मेरे पास अवेल हो सके तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अप्लाई करना का तरीकाकार भी समझा दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें, और नीचे जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही हैं पाकिस्तान में इनको भी एक बार पढ़कर जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नौकरी की मिल सके। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।